Pasani pani da pagama pa pa pasani pani da pagama pa gama da dama pa pa sa jan pit laga ke o ha जोड़े जोड़े फलावा सुरुज देव घटवा पेतिवा इचरावेले हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं ऋत्विक कुमार। इनके बारे में जानेंगे, इनसे बात करेंगे, इन्होंने कैसे संगीत की दुनिया में कदम रखा, सारा कुछ जानेंगे। लेकिन उसके पहले चाहेंगे कि इस चर्चा की शुरुआत एक गाने के साथ की जाए। तो शुरुआत करते हैं ऋत्विक भाई के साथ। ऋत्विक भाई, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ जो मुझे यह मौका दिया। तो मैं आप सभी के लिए कुछ नैन से नैन मिले जब से निंदिया नैनन के पास ना जा मुहे श्याम दरस की आस ना जा नैनन थारी कैसा जादू किया रे थर बिन लग नहीं मारा जिया रे हो थर बिन लग नहीं मारा जिया रे मबनी दबनी मबगा मरेगा रे गा रे सा मबनी दबनी मबगा मरेगा सारे निसा थर बिन मोहे चैन न आवे धक 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 मारा जिया घबरावे बोले बसुरिया सुन ले सबरिया थर बिन मोहे कुछ नहीं भावे प्यारे 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 थर बिन लग नहीं मारा जिया। क्या बात है ऋतु भाई, बहुत बढ़िया। मैंने जैसा कि बोला कि पहले गाने से शुरुआत करते हैं, यही कारण था कि पहले आप लोग गाना इनका सुनिए, उसके बाद इनके बारे में जानेंगे कि कौन है ये, कहां से बिलोंग करते हैं, कैसे संगीत दुनिया में आए, सब कुछ। लेकिन एक गाना और, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा सस्पेंस भी बरकरार रहे हमारे लिए और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाए। और कोई गाना ऋतु भाई? बिल्कुल। शाह समंदर एक नजर पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो पसानी पानी द पगामा पा पा पसानी पानी द पगामा पा गमा धादा मा पा पा गमा धादा मा पा मगरे सा कागसानी पानी सा पा मगा मानी मा पसानी सा पानी मा पा गमा सागा सा नी मा पा पानी मा पा गमा सागा सा पिया हाजी अली पिया वाह क्या बात है। अब आपके बारे में बात करते हैं क्योंकि ज्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे। ऋत्विक भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, रहने वाले कहाँ के हैं प्रॉपर? वैसे प्रॉपर तो मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर से, और मैं कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। और आपकी गायकी को देख के लग रहा है कि आप किसी देख को देख के नहीं गा रहे हैं बल्कि आप कहीं सीख के गा रहे हैं, तो क्या आप कहीं कुछ सीख रहे हैं? हाँ जी, मैं गंधर्व महाविद्यालय से तालीम ले रहा हूँ और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से भी सीख रहा हूँ। गुरुजी हैं पंडित लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी और पंडित विवेक भोला सर। कितने साल से आप सीख रहे हैं ये सब चीज़ें? वैसे तो मैं गाता बचपन से आ रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली सीखना भी मैं 4-6 साल हो गए मुझे सीखते हुए। कोई आपकी फैमिली में है, कोई सीखता है, कुछ करता है? नहीं, वैसे अभी फैमिली में तो नहीं है, लेकिन फैमिली सारे सब सपोर्टिव है। अच्छा। खासकर मेरे पापा जी। मैंने सुना है कि आपने बड़े बड़े जैसे कि इंडियन आइडल हो गया, जैसे कि इंडियन आइडल के बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे, बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक सिंगिंग रियलिटी शो है, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, हाँ जी, किया था मैंने। अभी जो ये इंडियन आइडल सीजन 13 में अभी कुछ दिन पहले ही अभी ऑडिशन दिया है, जिसमें मैं 3rd राउंड तक गया हुआ था, और पहले भी दिया ऑडिशन,
दिल हिंदुस्तानी सीजन 2 में जब मैं मेगा ऑडिशन के लिए भी गया हुआ था। हाँ जी, ये इंटरव्यू करने का मेरा उद्देश्य एक बहुत बड़ा है, जैसे कि नए कलाकार यूपी बिहार के बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं हैं और बस आ जाते हैं गाना गाने के लिए, बाद में कहते हैं कि हम सक्सेस नहीं हुए, हमारा गाना नहीं चला। तो ये एक आपके जिंदा मिसाल है कि देखिए कई वर्षों से संगीत सीख रहे हैं और रियलिटी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि एल्बम में लाखों रुपये खर्चे करने की। तो और इनसे बात करेंगे, लेकिन एक गाना और सुनते हैं और यकीन मानिए इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से खास समय जो नए कलाकार हैं जिनकी संगीत में रुचि है, जो सिंगिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही किफायती होगी और फायदेमंद होगी। आपको समझ में आएगा कि संगीत वाकई में है क्या। कोई और एक आध गाना जो आपके दिल के करीब हो। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। ये राहत जी गाना है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको बेसिकली ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स ही सूफी टाइप के गाने पसंद है? वैसे तो मुझे पसंद तो हर एक जोनल का है, लेकिन मैं जो एक मेन जोनल गाता हूँ वैसे सूफी। आपके फेवरेट सिंगर कौन है, किसको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, सुनते हैं इनको ज़्यादा? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, वैसे मैं सबको फॉलो करता हूँ, खासकर जो मैं फॉलो करता हूँ वो पंजाब से रियल खान साहब जी हैं उनको, और मैं सुनता मैं सबको ही हूँ, जैसे कि बड़े गुलाम अली साहब हो गए, गुलाम अली साहब जी हो गए, अमानत अली खान साहब हो गए, और भी बहुत सारे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी कॉम्पोजिशन वगैरह सुनता हूँ मैं। मतलब आप उस्तादों को सुनते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए इससे भी फर्क पड़ता है कि आप सुनते किसको हैं, डिपेंड करता है आपकी गायकी में कहीं ना कहीं उसी टाइप की झलक भी दिखेगी। जब आप अच्छे लोगों को सुनेंगे तभी आप अच्छा गा भी पाएंगे और अच्छा आप कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये आप बताइए कि जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप भोजपुरी गानों में भी अपनी रुचि रखते हैं? हाँ जी, रखता हूँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत। किसको सुनते हैं, ज्यादा पसंद किसको करते हैं? पवन सिंह जी को सुनता हूँ वैसे। पवन सिंह को सुनते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पवन सिंह का कोई गाना आपको याद है या नहीं? याद है मुझे, बिल्कुल याद। कोई एक आध गाना पवन सिंह का? उनका एक छठ पर्व का गाना है, तो वो मैं सुनाता हूँ जी। जोड़े जोड़े फलावा सुरुज देव घटावा पेतिवा ई चढ़ावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सा राला गावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सा राला। बहुत अच्छा आपने गाया, जैसे कि आप बॉलीवुड के गाने बॉलीवुड के भी गा रहे हैं, सूफी आपको पसंद है और भोजपुरी भी आपने बहुत अच्छा गाया, और आप बिहार, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी पैदाइश गांव में कम हुई, शहर में ज़्यादा हुई है। हाँ जी, हाँ जी, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। हाँ जी, फिर भी अपने कल्चर को, और किसी को बोलता है पवन सिंह का गाना सुनाओ तो कोई लॉलीपॉप सुनाने लगता, कोई कुछ सुनाने लगता, लेकिन आपने छठ मैया गाना सुना, ये बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी चीज़ सुनते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप गाते तो अच्छा हैं, आप इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या बजा लेते हैं? जैसे गिटार हम देख रहे हैं हमारे सामने है, जरा हाथ में ले लिए, हो सकता है फ्रेम में ना आ रहा हो, जैसा कि आप देख सकते हैं गिटार ऋतु भाई बहुत अच्छा बजाते हैं, और भी आप इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं कौन कौन सा? हाँ जी, वैसे मेरा जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो हारमोनियम है, उसके साथ थोड़ा बहुत मैं गिटार भी प्ले कर लेता हूँ, और मेलोडी का माउथ जो कि माउथ ऑर्गन है, बजाए हाथ से जाता है उसको, मतलब वो विंड इंस्ट्रूमेंट है। गिटार के साथ में कोई आपका फेवरेट गाना क्या प्ले करके गा सकते हैं? हाँ जी, थोड़ा प्लीज एक गाना। तैनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चा हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनया उच्चिया दीवारा
दिल दे चार चुफेरे नाल सांभ के रख दी तायो दिल चिन ला लई देर मैं सुनया पहला भी दिल टुटया दिल टुटया तेरा एक वारी तायो दिल जी दीवारा ते इतना बना लई वारी। बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो सकता है जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ में ना आए, पंजाबी सॉन्ग है, बहुत बढ़िया और बहुत ही हिट सॉन्ग था। अच्छा अभी 15 अगस्त का माहौल है, 15 अगस्त आने वाला है, एक गाना है बी प्राक ने शायद गाया है तेरी मिट्टी कुछ, वो गाना आपको आता है? हाँ बिल्कुल। वो गाना हो जाए सर प्लीज। तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे हा तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बढ़िया, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया गाना गाने के लिए। अच्छा आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य तो समझ में आ गया कि आप सिंगिंग लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसा कि अभी आप स्टेज वगैरह भी करते हैं? हाँ जी मैं लाइव शोज वगैरह भी करता हूँ, गिग्स वगैरह करता हूँ मैं और डेवोशनल भी करता हूँ जैसे कि जागरण वगैरह भी करता हूँ और क्लासेस वगैरह भी देता हूँ मैं। क्लासेस आप देते हैं बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी। तो ऑनलाइन क्लासेस या फिर जाके कैसे? वैसे मैं होम ट्यूशन देता हूँ और बाकी स्टूडेंट्स वगैरह घर आते हैं सीखने। वैसे आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? उम्र वैसे मेरी 20 साल है। वैसे अभी 20 साल में देखिए खुद संगीत सीख के अभी क्लास भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन वहाँ पे जाके आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक है। अभी ये 20 साल के ही और 20 साल में इतना नॉलेज, इतना अच्छा गाना, अच्छे अच्छे लोगों को सुनना और सिंगिंग में अपना करियर बनाना बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा। यहाँ तो 27 साल में आके उठ के भोजपुरी गाना गाना चालू करते हैं, 30 साल 32 साल का आदमी बोलता है मुझे सिंगर बनना है। तो आप देख सकते हैं कई सालों से सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ लोगों को सिखा भी रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा करने वाले हैं कुछ। आप लोगों को क्या लगता है इनके बारे में कमेंट करिएगा, इनकी आवाज़ कैसी लगी बताइएगा, इनके बारे में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट से आपके लाइक से इनका हौसला बढ़ेगा, हतोत्साहित नहीं होंगे उत्साहित होंगे और कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं? मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी मुझे देख रहा है मेरे बड़े मेरे गुरुजन जितने भी हैं मैं आप लोगों का ही बेटा हूँ और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो मैं कर रहा हूँ जिस लाइन में कर रहा हूँ मुझे और आगे और सपोर्ट करिए, आपको सपोर्ट करें। हाँ और सपोर्ट करें और बस। इनका नाम है ऋत्विक कुमार, हालांकि इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है कोई फेसबुक वैसा नहीं है लेकिन हाँ ये है कि ये होम ट्यूशन देते हैं। अगर आपको भी होम ट्यूशन वगैरह चाहिए हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका नंबर कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो इनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके कोशिश करिए। दिल्ली में है अगर प्रॉपर तो ये होम ट्यूशन दे सकते हैं कोशिश करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन आप क्लासेस किसी भी स्टेज में आप ले सकते हैं, कहीं भी राजेश सिंह को आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई जाते जाते कोई एक आध बढ़िया सा गाना, दूल्हे का शहरा सुहाना बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं शादी ब्याह में, वो गाना आपको आता है? हाँ जी हाँ जी। प्लीज वो गाना हो जाए। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जाने में चांद सी दुल्हन जमीन पे फलक से आ
सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जानना चाहूंगा, आप अभी भी रियाज वगैरह करते हैं? हाँ जी, रियाज बिल्कुल करता हूँ। रियाज करते हैं, रियाज के बिना तो काम ही नहीं चलता। इसमें एक्चुअली क्या, जो हमारे दर्शक है ना, उसमें बहुत सारे सिंगर हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी इस वीडियोस को देखेंगे आपके, और जो नए कलाकार हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी देखेंगे। कोई टिप्स देना चाहेंगे अपने आवाज को अच्छा रखने के लिए, कोई रियाज या कुछ खान पीन, ऐसा कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, खान पीन का तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बताते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या फिर अचार जो भी दही वगैरह ये सब वगैरह होता है ये नहीं खाना। बस आपका रियाज नहीं छोड़ना चाहिए, आपको कंटिन्यू रियाज करते रहना चाहिए। ऐसा होता है ना कि मतलब कि आप डेली ही खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और रियाज आप नहीं कर रहे, रियाज एक महीना करा है फिर उसके 15 दिन बाद किया आपने, तो ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा, फिर वो गले में जमेगा। रियाज आप कुछ भी खाओ सब चलेगा, लेकिन डेली रियाज करो। आप कितने घंटे रियाज करते हैं डेली? वैसे मेरा रियाज का प्रॉपर टाइम तो नहीं है, जब अपना मूड बन जाता है जब आप रियाज, और वैसे पूरा टाइम पूरा म्यूजिक में। बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह ही रियाज करना है, कुछ लोग कहते हैं शाम को ही रियाज करना है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि सुबह का रियाज भी बहुत जरूरी होता है। जो भोर का रियाज होता है 4 बजे 4:30 बजे का रियाज होता है, उसका एक अलग ही मजा है, और उसका जो साधना जो हम साधते हैं सुबह सा को, वो अलग ही होता है, वो आवाज एकदम फ्रेश रहती है, वोकल एकदम। रियाज तो कंपलसरी है, वो करना चाहिए बिल्कुल। कोई टिप्स देना चाहेंगे, कोई पलटा वल्टा करते हैं रियाज में, कोई ऐसा कोई मंत्र दे दिए जो हमारे नए कलाकार हैं वो भी उनका भी काम बन जाए? टिप्स तो बस यही बताऊंगा कि आज सुबह खर्च का रियाज करें, जो कि राग भैरवी भैरव बहुत सारे राग हैं, सुबह के राग हैं, खर्च का रियाज करना चाहिए। जैसे कि मंद्र सप्तक, हमारे 3 सप्तक होते हैं, एक मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो ज़्यादातर जो रियाज होता है, जब वो कहते हैं कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरी स्केल मतलब मेरा रेंज नहीं जा रहा ऊपर तक, मध्य सप्तक से ऊपर नहीं जा रहा है। बहुत लोग ये दिक्कत होती है कि वो ऊंचा नहीं गा पाते हैं, और भोजपुरी में खासतौर जो है ना वो ऊंचा ही गाते हैं लोग। बहुत से कहते हैं कि ऊंचा नहीं गा पा रहे, तो इसका बस यही रीज़न है कि वो मोस्ट ऑफ मध्य पे करते हैं और सोचते हैं कि ऊंचा गाने के लिए ऊंचा ही गाना पड़ेगा, मतलब ऊंचा ही रियाज करना पड़ेगा, तार सप्तक पे ही रियाज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जितना खर्च का रियाज करेंगे हम, जितना मंद्र सप्तक पे रियाज करेंगे, उतना ज्यादा अपना रेंज खुलेगा, उतना ज्यादा स्केल आपके ऊपर जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, देखिए बहुत अच्छी नॉलेज वाली बात है, और मैं कोशिश करूंगा कि ऋत्विक भाई को अब अक्सर आप लोग के लिए लेके आऊंगा सामने, खासतौर उन कलाकारों के लिए, नए कलाकारों के लिए जो परेशान रहते हैं, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोई टीचर नहीं है, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, और वो उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, पुअर घर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऋत्विक भाई बहुत आपकी हेल्प करेंगे आने वाले वक्त में चर्चा में। इनके साथ और भी चर्चा वाली वीडियोस आप देखेंगे जो कि आपके बहुत काम आएगी, अगर आप एक सिंगर हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो ऋत्विक भाई से अब रूबरू आप होते रहेंगे। फर्स्ट टाइम है, कम टाइम है आज, लेकिन जल्दी ही फिर ऋत्विक भाई से मिलेंगे और आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस इनके माध्यम से बना के आपको दिखाऊंगा। जाते जाते कोई भी एक गाना और प्लीज। बिल्कुल, एक क्लासिकल सॉन्ग है, सेमी क्लासिकल, जो कि बहुत पुरानी कॉम्पोजिशन, अभी तक पता भी नहीं लगा कि किसने कंपोज किया है, मतलब कंपोज कर तो रखा है लेकिन उनका नाम नहीं पता है भी किसने, मतलब बहुतों ने गाया है इसको, मतलब सारे उस्तादों ने गाया है। सुंदर मुख दिखला जा, हो कदे मिल सांवल यार वे, हो कदे मिल सांवल यार वे,
पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदे मिल सांवल यार वे ओ की दम दबरो साया दम आवे ना आवे चल झगड़े ते करिए प्यार चल झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे की दम दबरो साया दम आवे ना आवे। क्या बात है, मुझे लगता है ये गाना मास्टर सलीम ने भी स्टेज में जी, मास्टर सलीम जी का है ये वाला जो दूसरे वाला गाया मैंने। हाँ जी, ये क्योंकि मैं सुनता हूँ, मैं भी मास्टर सलीम हो गए, ऋचा शर्मा हो गई, ये लोग मतलब कि एक कहा जाए तो खुद में ही एक क्लास हैं। इनको अगर आप एक घंटे बैठ के सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका संगीत के प्रति नजरिया चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि आप किसको सुन रहे थे? जरूर जरूर बिल्कुल, वो ऐसा गा देते हैं कि लगता है कि ये तो हमने सुना ही नहीं है कभी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु भाई, आपने टाइम दिया, चर्चा में आए, आपका शुक्रिया। और जैसा कि मैंने बोला ऋतु भाई को, मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, जिससे आपको देख के मोटिवेशन होंगे आप और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी को।